चलिए, इतिहास के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड पीसीएस के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है शैव धर्म और भागवत धर्म के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नयनार किस धर्म से संबंधित थे? तो नयनार ऑप्शन ए है शैव धर्मावलंबी, बी वैष्णव धर्म से, सी शाक्त से और डी भागवत धर्म से। तो बेसिकली जो नयनार है ना, वो नयनार होते हैं दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले थे, गुरु थे, महात्मा थे, उनको नयनार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, और ऑप्शन ए, एक मिनट, नयनार जो है शैव धर्म से संबंधित है। और यही एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि भाई अलवार किसको कहा जाता है, अलवार किस धर्म से संबंधित है? तो अलवार जो है ना, अलवार भागवत धर्म से संबंधित है, जो वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। तो भागवत धर्म से अलवार थे और शैव धर्म से जो है नयनार संबंधित है। तो और अलवार भी वही थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, और नयनार जिन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया वो कहते हैं नयनार। ठीक है, तो और टोटल नयनारों की संख्या 63 मानी गई है, और अलवारों को अगर पूछा जाता है तो टोटल अलवार जो हैं वो 12 हुए हैं, राइट? तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है? तो भागवत धर्म में टोटल कितने टाइप की भक्ति का वर्णन है ये बताना है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो भागवत धर्म में जो है टोटल 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, निम्न में से कौन शैव संत थे? तो शैव संत कौन थे? ए ऑप्शन है महायोगी, ऑप्शन बी है भूत योगी, ऑप्शन सी परकाल या ऑप्शन डी सुंदरर। तो इनमें से जो ऑप्शन डी है सुंदरर, वो शैव संत माने जाते हैं और महान शैव संत थे। ठीक है, और अगला प्रश्न है मत मयूर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कुछ पीसीएस एग्जाम में, मत मयूर कौन थे? तो मत मयूर ऑप्शन है ए भागवत धर्म के अनुयायी, ऑप्शन बी शैव धर्म के अनुयायी, ऑप्शन सी जैन अनुयायी या ऑप्शन डी बुद्ध अनुयायी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैव अनुयायी। तो मत मयूर कौन थे? शैव अनुयायियों को मत मयूर कहा गया। आगे अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, सात्वत विधि शब्द से क्या तात्पर्य है? ये सात्वत विधि से क्या तात्पर्य है? तो ए ऑप्शन है भगवत अनुष्ठान, बी है तांत्रिक कार्य, सी है महायान या डी है लकुलिश। तो सात्वत विधि जो है भगवत अनुष्ठान से संबंधित है, भगवत अनुष्ठान की विधि को सात्वत विधि कहा जाता है भगवत धर्म है। ठीक है, तो भगवत धर्म या फिर वैष्णव धर्म और जो है एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम है, भगवत धर्म कहें या फिर वैष्णव धर्म करें। और इनके जो निर्माता थे वो थे, जो ईश्वर थे वो थे भगवान कृष्ण। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 6, शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? शैव धर्म का सबसे, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पशुपत या बी है कापलिक, सी है कालामुख और डी है लिंगायत। तो इसमें सबसे ये सारे के सारे जो है इनके संप्रदाय हैं शैव धर्म के, आपको बताना है कि सबसे प्राचीन कौन सा है। तो जो ऑप्शन ए है पशुपत, यानी कि ये जो है सबसे पुराना संप्रदाय है शैव धर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीर शिव संप्रदाय किस संप्रदाय का कहा गया, किस संप्रदाय को कहा गया? ये एक्चुअली दूसरा नाम है, और ये जो संप्रदाय अभी हमने पढ़े थे, और किसका दूसरा नाम है वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है उसको। तो ऑप्शन ए है पशुपत संप्रदाय, ऑप्शन बी है लिंगायत, ऑप्शन सी है विष्णु। तो बेसिकली जो वीर शिव संप्रदाय है ना, वो बी लिंगायत संप्रदाय का भी दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो जो है लिंगायत, अभी मैंने बताया जो संप्रदाय है जिसको वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं, तो उसका जो है प्रवर्तक कौन है? तो उसके ए जो बाशव राज जो है इसका प्रवर्तक माने जाते हैं लिंगायत बाशव ए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। शलाका पुरुष की अवधारणा
किस धर्म से है? तो ये ऑप्शन ए है भगवत धर्म से, ऑप्शन बी है शैव धर्म से, ऑप्शन सी है जैन से, ऑप्शन डी है बौद्धायन से। तो जो शलाका पुरुष की जो धारणा है, अवधारणा है, वो आई है आपकी बी शैव धर्म। शैव धर्म में जो है शलाका पुरुष की अवधारणा विकसित हुई है। आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, ऋग्वेद में शिव के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में शिव के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में शिव के लिए ऑप्शन बी रुद्र, रुद्र शब्द आया है। तो ये आपका, आपको याद रखना है, रुद्र जो है बोला गया है ऋग्वेद में, राइट? तो ये आपका हो गया 10 क्वेश्चन भगवत धर्म और शैव धर्म से। तो चलिए, आई होप यू लाइक।